होंगे स्वस्थ होंगे और आप हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मेंटल एप्टीट्यूड जिसे आप बोलते हैं मानसिक अभिरुचि भी बोलते हैं और यूपी के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम होने वाला है तो अभी हम इसको टारगेट करके मेंटल एप्टीट्यूड कर रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस क्लास को मेरे साथ करते हैं तो आपको किसी भी बुक को कोई परचेज करने की आवश्यकता है नहीं डिफरेंट डिफरेंट बुक डिफरेंट डिफरेंट जो भी आप चैनल देखते हैं तो कोई आवश्यकता आपको है नहीं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कंप्लीट वीडियो मिलेगी आपको थ्योरी भी मिलेगी और साथ साथ एम भी मिलेंगे ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे तो ये चार बजे मेरी क्लास ये लाइव होती है ठीक है तो जनहित हमने कल स्टार्ट किया था मेंटल एप्टीट्यूड चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरुआत करते हैं आप सभी सेशन को लाइक व शेयर कर दिया करें और कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास आपको कैसी लगती है ठीक है तो एक बजे से आपकी मैथ्स की क्लास होती है दो बजे से आपकी जीके की क्लास होती है और तीन बजे से सागर सर की साइंस की क्लास होती है और चार बजे से मेरी रीजनिंग की क्लास होती है और रीजनिंग का एक पोर्शन है सभी, बिल्कुल पीडीएफ बनो बिल्कुल पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी सारी प्ले भी आपको मिल जाएगी आप चिंता ना करें आप लोगों के लिए ही हमने ये बैच चलाया है और आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं बस आप अपनी सपोर्ट बनाए रखें मेहनत करते रहें तो ये आपका टाइम टेबल है दोस्तों चलिए इससे आगे चलते हैं तो रीजनिंग का जो सिलेबस है मैंने आपको दिखा दिया था कल भी तो ये हम जो अभी पढ़ रहे हैं मेंटल एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट वाला जो पब्लिक इंटरेस्ट जो है ये चैप्टर सबसे पहले हम इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं और आज हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा कल हमने क्या कर लिया था कल हमने पब्लिक जो पब्लिक इंटरेस्ट है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था और आज हम इस पब्लिक इंटरेस्ट को फिनिश करेंगे एक बार पूरा कल वाला भी मैं आपको रिविजन करा दूंगा और क्लास में ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा मेरा तरीका ये रहेगा कि आपको ज़्यादा माथापच्ची ना हो और आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताई जाएँ और सीधा आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करने की आवश्यकता है तो ये मेंटल एप्टीट्यूड के हमारे सारे सिलेबस है इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है लो एंड ऑर्डर वो हम कल की क्लास में करेंगे अभी हम आज पढ़ते हैं पब्लिक इंटरेस्ट चलिए दोस्तों तो पब्लिक इंटरेस्ट को कल हम पढ़ रहे थे एक बार फिर से से मैं बेसिक से थोड़ा सा करा देता जनहित तो जनहित से ही आप समझ में आ रहा है जनहित किन दो शब्दों से मिलकर बना है जन प्लस हित जन माने क्या हो जाएगा दोस्तों जनता हो जाएगा और हित माने क्या हो जाएगा फायदा हित माने क्या हो जाएगा फायदा तो जहां जनता के फायदे की बात होगी तो उसी को आप क्या बोलेंगे जनहित बोलेंगे ठीक है क्लियर है समझ में आ गया सभी स्टूडेंट सेशन को शेयर करेंगे इसी के साथ साथ ये जनित है क्या तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय कानून में सार्वजनिक हितों मतलब सबके हितों की रक्षा करने के लिए क्या कर सकते हैं मुकदमे का ये एक प्रावधान है आप क्या कर सकते हैं मुकदमा कर सकते हैं कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी लग रहा है कि कोई भी किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए आप मुकदमा कर सकते हैं इसी को हम जनहित याचिका बोलते हैं आप क्या सकते है? कर सकते हैं कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं अब जरूरी नहीं है इसमें खास बात यह होती है कि ज़रूरी नहीं है जो व्यक्ति पीड़ित है जिसके साथ कुछ अत्याचार हो रहा है जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही व्यक्ति जाकर क्या करेगा सिर्फ वही व्यक्ति जाकर क्या करेगा कोर्ट में क्या करेगा भाई याचिका दायर करेगा कोई भी व्यक्ति इसके लिए कर सकता है बेसिक बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ कल भी बताया जिससे कि रिविजन हो जाए आज मैं आपको एमसीक्यू सी क्वेश्चन कराने वाला हूँ ठीक है चलिए आपसे पूछता है कि जो जनहित याचिका है इसका जो जन्म हुआ है कहां हुआ है तो आप कहेंगे जनहित याचिका का जो जन्म हुआ है वो यूएसए अमेरिका में हुआ है और अमेरिका में इसको क्या कहते हैं अमेरिका में इसको कहते हैं जनहित कार्रवाई याचिका इसको अमेरिका में कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है सामाजिक कार्रवाई याचिका इसको कहा जाता है जन्म इसका जो हुआ है यूएसए में हुआ क्लियर है, है? भारत में जो पी भारत में जो आपका ये जनहित याचिका है इसका जो आविष्कार हुआ है वो कैसे हुआ है भाई कैसे हुआ है कोर्ट के द्वारा हुआ है न्यायालय के द्वारा हुआ है साथ साथ क्या हुआ है भाई न्यायाधीश के द्वारा हुआ है तो इसी वजह से इसको हम क्या कह देते हैं न्यायाधीश निर्मित विधि भी कह देते हैं तो न्यायाधीश निर्मित विधि किसको कहते हैं तो आप कहेंगे पीआईएल को कहते हैं जनहित याचिका को हम कहते हैं ठीक है चलिए इससे आगे मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले भारत में जो सबसे पहले पीआईएल है भारत में सबसे पहले जनहित याचिका को कब कब आ, मतलब दायर की गई थी तो ये एक केस है जिसमें चालीस हजार से अधिक कैदी क्या है चालीस हजार से अधिक कैदियों को जमानगत नहीं मिल रही थी तो उसके लिए क्या की गई थी सबसे पहले जनहित याचिका दायर की गई थी तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले जो जनहित याचिका है वो किस लिए किस लिए दायर की गई थी तो आप कहेंगे कि बिहार में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल में खबर छपी थी कि चालीस हजार अंडर ट्रायल कैदियों को जमानगत नहीं दी जा रही है तो इसके लिए पहली बार भारत में जनहित याचिका को दायर किया गया 9 मार्च उन्नीस को वकील एक वकील थी कंपिला हिंगोवार कंपिला हिंगोरानी तो उन्होंने क्या किया था भाई उन्होंने क्या किया था इसके लिए केस किया था ठीक है तो इस केस को आप किससे किस नाम से जानते हैं हुसैरा वर्सेस बिहार सरकार केस के नाम से आप इसे जानते हैं और इस समय जो जज थे वो कौन थे ठीक है वो मान्य पीएन भगवती जी थे न्यायमूर्ति ठीक है चलिए तो इसी वजह से वकील कंपिला हिंगो रानी को हम क्या कहते हैं मदर ऑफ पी आई एल इन इंडिया फादर ऑफ पी आई एल इन इंडिया किसको कहा जाता है न्यायमूर्ति किसको कहा जाता है पीएन भगवती जी को कहा जाता है ठीक है चलिए तो देखिए यहां लिखा हुआ है फादर ऑफ पी आई एल इन इंडिया किसको कहते हैं हम पीएन भगवती को कहते हैं जो पी होती है ये लोक हित पर कार्य करती है मतलब सभी के हित के सभी के फायदे के लिए क्या करती है पी कार्य करती है ठीक है आम आदमी को सस्ता व तीव्र न्याय दिलाने का कार्य भी कौन करती है पी करती है पी आई समूहित के लिए क्या करती है सभी के लिए जो आपने पी मतलब आपने जो याचिका दायर की है इसको स्वीकारना और नकारना किस पर निर्भर करता है भाई न्यायालय पर निर्भर करता है ठीक है चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो पीआईएल है जनहित याचिका है भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है तो आप कहेंगे भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं मिलता है जो आप याचिका दायर करते हैं वो भारतीय संविधान के भाग तीन में जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं तो उसी के बेस पर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत क्या करते हैं जनहित याचिका को दायर करते हैं तो इसी वजह से जो जनहित याचिका है भारतीय संविधान के भाग तीन से रिलेटेड है लेकिन संविधान के किसी भी आर्टिकल में इसका जिक्र नहीं मिलता है बहुत ध्यान से पॉइंट को समझते रहेंगे ठीक है भारतीय संविधान के परिभाषित नहीं है लेकिन भाग तीन से क्या है रिलेटेड है यह सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक व्याख्या का परिणाम है ठीक है चलिए लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति संगठन ला सकता है इसको यह राज्य के साथ ही निजी संस्थान के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है उद्देश्य क्या है भाई इसका उद्देश्य है न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना इसका जो उद्देश्य है वो क्या है भाई न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना ठीक है चलिए भाई तो इतना मैंने आपको बताया था चलिए इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं भाई इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं तो इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं कि इस याचिका से जनता में स्वयं के अधिकार तथा तो जो जनता के खुद के अधिकार हैं उनके बारे में पता चलेगा तथा तो न्यायपालिका की भूमि के बारे में चेतना बढ़ेगी मौलिक अधिकार के क्षेत्र बढ़ जाएंगे ठीक है तो ये क्या हो सकते हैं इसके फायदे हो सकते हैं तो मैंने कल कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे कल हमने क्या कर लिए थे भाई पंद्रह क्वेश्चन कर लिए थे उसके बाद में हम आगे के अब क्वेश्चन को करते हैं तो जितनी भी मैंने थ्योरी बताई है अभी तक उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूं और आज हम आगे के क्वेश्चंस को करते हैं तो आप सब तैयार हो जाइए ठीक है यहां तक हो गया था अब यहां से हम आगे चलते हैं सारा आपका हो गया है तो ये जो क्वेश्चन नंबर सोलह है आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर सोलह का सही जवाब क्या हो जाए सभी स्टूडेंट क्या करेंगे आप लोग सेशन को शेयर करेंगे रवि कुमार ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो आपको सिलेक्शन लेना है अब ये तो नहीं है कि पेपर ऑनलाइन होगा तो आप सिलेक्शन नहीं लेंगे ऑफलाइन होगा तो सिलेक्शन नहीं लेंगे ठीक है तो बिल्कुल आप अभी क्वेश्चन पर फोकस करें मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जब आपका एग्जाम नोटिस आया था टेंडर को लेकर तो वहां ऑफलाइन बताया फिर ऑनलाइन बताया फिर हाइब्रिड मोड पर बताया और बाकी अभी फाइनली आपको जब एग्जाम डेट आएगी तब पता चलेगा चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे जो पहले के हमारे पंद्रह क्वेश्चन है वो सारे हो चुके हैं क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जनहित समूह क्या है इज पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप तो आपसे पूछा जा रहा है कि जनहित ग्रुप क्या है आप लोग अब सेशन को शेयर करेंगे सभी स्टूडेंट और बताएंगे कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सोलह का आप लोग जवाब करिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्दी से बताइए सेशन को आप लोग शेयर करेंगे जनता के लिए कुछ विशिष्ट कार्यों को पूरा करने में सहायक कुछ समूह ठीक है कह रहे कि जनता के सामान्य भले एवं उभनिष्ठ समस्याओं के निराकरण में सहायक ग्रुप कह रहे सरकारी नीतियों को समर्थन देने वाला समूह अपने अपने व्यक्तिगत हितों को सिद्ध करने वाले लोगों का समूह देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे बड़े ध्यान से देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आपको क्या है फंसा सकता है एग्जाम में देखिए जनहित समूह जनहित मतलब पब्लिक इंटरेस्ट जनहित समूह एक ऐसा समूह जो लोगों के फायदे के लिए कार्य करेगा एक ऐसा समूह जो लोगों के फायदे के लिए कार्य करेगा जनहित समूह जनहित मतलब जनता के फायदे के लिए जो वर्क करेगा उसी को हम जनहित समूह कहेंगे जनता के कुछ विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए होता है कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए होता है चलिए एक हम होल्ड करते हैं दूसरा कह रहा है जनता की समस्याएं भले एवं जनता के सामान्य भले एवं उमनिष्ट समस्याओं के निराकरण में सहायक समूह चलिए ये दोनों क्या है थोड़ा से पॉजिटिव है इन पर हम हाईलाइट करते हैं बाकी और ऑप्शन देखते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है कह रहे कि सरकारी नीतियों का समर्थन ये तो बिल्कुल गलत है भाई जो जनहित समूह है जनहित समूह क्या सरकारी नीतियों के समर्थन के लिए होता है नहीं जी गलत हो गया फिर आपने देखा अपने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए भाई जन के हित के बात करते हैं जनता के फायदे के लिए बात करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन आपने दोस्तों देखते ही कट कर दिए ये मेंटल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन ऐसे ही आप एग्जाम में जाकर करेंगे बड़े ध्यान से देखेंगे अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा ठीक है कह रहे कि कुछ विशिष्ट कार्यो को पूरा करने में भाई कुछ विशिष्ट कार्यो को पूरा करने मतलब कुछ ही वर्ग के लिए बात कर रहे हैं क्या ऐसा जनहित में होता है नहीं जी नहीं जी ये भी आपका गलत हो जाएगा तो जनता के सामान्य भले एवं उभनिष्ठ समस्याओं के निराकरण में सहायक ग्रुप को आप क्या बोलेंगे भाई जनहित समूह बोलेंगे ठीक है तो आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा जिस भी स्टूडेंट ने बी दिया है क्लियर है समझ में आया सेशन को आप लोग शेयर करिए और जवाब दीजिए अगर आप लाइव जवाब नहीं देते हैं तो ऑफलाइन कमेंट एक एक जरूर कर दिया करें बताया करें कि आपको ये क्लास कैसी लगती है ठीक है क्वेश्चन क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई देख लीजिए भारतीय संविधान का जल्दी से आप लोग जवाब करिए सेशन को आप लोग शेयर करते रहिए सेशन को आप लोग शेयर करते रहिए और जितने भी आपके पास स्टडीज से रिलेटेड ग्रुप है सब में आइए भाई देखते हैं कह रहे कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो जनता को सीधे शीर्ष न्यायपालिका से जोड़ता है बहुत ध्यान से देखेंगे भाई बहुत ध्यान से देखें क्वेश्चन को पढ़ें कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई कैसे करेंगे चलिए देखते हैं भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो जनता को सीधे शीर्ष न्यायपालिका शीर्ष न्यायपालिका किसको कहते हैं भाई आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं आप क्या कहते हैं शीर्ष न्यायपालिका जो शीर्ष न्यायपालिका है जो भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका है उसको आप क्या कहेंगे भाई आप कहते हैं उसको न्यायपालिका उसको क्या कहते हैं भाई आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट आप उसको क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट कहेंगे तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो क्या कर सकता है भाई क्या कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है ये भाई किस आर्टिकल के अनुसार करता है आर्टिकल थर्टी टू जिक्र नहीं है लेकिन भाई जो इसका राइट right आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आर्टिकल अनुच्छेद बत्तीस हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है अगर दोस्तों बात करता है राज्य जो आपके हाई कोर्ट होते हैं जो राज्य के हाई कोर्ट होते हैं अगर उसकी बात करता है तो उसको बोलेंगे दोस्तों आर्टिकल 226। उसको क्या बोलेंगे आप आर्टिकल 226 बोलेंगे तो इसका जो राइट right आंसर है क्या हो जाएगा सी हो जाएगा बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे ही बताइए भाई ये चैप्टर आज फि, फिनिश हो जाएगा ठीक है ये चैप्टर आज आपका फिनिश हो जाएगा फिर हम कल जो करेंगे वो एक ने चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसी तरीके से करेंगे बिल्कुल थ्योरी वाइज करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे ठीक है चलिए बाल श्रम और स्त्रियों का शोषण निम्नलिखित में से किसके वित्तीय हित है क्षेत्रीय हित है जनहित है व्यक्तिगत हित है चाइल्ड लेबर एंड एक्सपोन ऑफ वुमेन आर रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर अठारह का आप लोग जवाब बताइए सेशन को आप लोग शेयर करिए क्वेश्चन नंबर अठारह लोगों की स्क्रीन पर है आप बताइए बाल श्रम और स्त्रियों को शोषण जो है ये क्या है भाई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ये क्या है भाई रीजनल इंटरेस्ट है ये क्या है पब्लिक इंटरेस्ट है ये क्या है व्यक्तिगत मतलब पर्सनल इंटरेस्ट है क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों आपको आपको क्वेश्चन एग्जाम में फंसाएगा एग्जाम में आपको क्वेश्चन फंसाएगा और आप लोग फंस जाएंगे और आप फंस भी गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मैं कह रहा हूं कि मेंटल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये मैथ एंड रीजनिंग में पूछे जाएंगे इनको हमें सोच और समझ कर जवाब करना है ठीक है आइए देखते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आइए देख लेते हैं सभी स्टूडेंट बताइए जल्दी से बी सी बी सी आइए देख लेते हैं भाई बाल श्रम बाल श्रम मतलब चाइल्ड लेबर बच्चों पर आप ऐसा कार्य करवा रहे हैं जो बच्चे नहीं कर सकते उसको ठीक है क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही है क्या ये जनहित की बात हो रही है

ये कह रहा है कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्या क्षेत्रीय हित है या व्यक्तिगत हित है तो दोस्तों ये आपका रीजनल इंटरेस्ट होता है ये क्षेत्रीय हित की बात करते हैं जहां कि बाल श्रम और स्त्रियों को जो शोषण होता है ठीक है ये बाल श्रम को आप पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं जोड़ेंगे ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं जोड़ेंगे ठीक है इसका जो राइट right आंसर क्या हो जाएगा भाई ये एक क्षेत्रीय हित की बात करता है क्वेश्चन नंबर अठारह का राइट right आंसर क्या हो जाएगा बी चलिए आगे चलते हैं बताइए जल्दी से नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर आप इसको पढ़ेंगे बताइए पुलिस एवं जनता के अनुकूल संबंधों के लिए आवश्यक है पुलिस और जनता के संबंधों के लिए आवश्यक है कि जनता सदैव पुलिस से डर कर रहे कितने अच्छे ऑप्शन है ऑप्शन से आप लोग क्या कर सकते हैं भाई इसका जवाब कर सकते हैं ऑप्शन से क्या कर सकते हैं आप लोग इसका जवाब कर सकते हैं जल्दी से बताइए भाई मैं माफ़ी चाहता हूं आप सभी से बीच क्लास में मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करनी पड़ रही है कुछ कॉल आ रही है चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सेशन को शेयर करिए और लाइक करिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं लाइक की संख्या नहीं बढ़ रही भाई चलिए तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे कि पुलिस एवं जनता के अनुकूल संबंधों के लिए आवश्यक है कि जनता पुलिस से डर के रहे पुलिस को जनता के दबाव में रहना चाहिए पुलिस तथा जनता को एक दूसरे की समस्याएं तथा दृष्टिकोण को समझना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर 19 में आप कौन सा राइट आंसर करेंगे आप जल्दी से बताइए भाई देखिए जनता पुलिस जनता सदैव पुलिस से डर कर है, तो जनता पुलिस से डर कर रहेगी तो क्या ये बात सही है आप कहेंगे नहीं जी ये बात सही नहीं है ये बात बिल्कुल गलत है ये नहीं है ये नहीं है जनता डर कर रहेगी तो फिर जनता जो जनता के साथ समस्याएं हैं, उसको पुलिस के सामने कैसे बता पाएगी ठीक है तो आप क्या करेंगे सर ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा नेक्स्ट है पुलिस को जनता के दबाव में रहना चाहिए भाई पुलिस को जनता के दबाव में रहना चाहिए नहीं जी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए ना पुलिस को रहना चाहिए ना जनता को पुलिस के दबाव में रहना चाहिए

बताइए जल्दी से बताइए जल्दी से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक पुलिसकर्मी का क्या उद्देश्य होता है क्वेश्चन नंबर बीस आपसे ये पूछ रहा है जी बता दो एक पुलिसकर्मी का क्या उद्देश्य होता है और हमारा पढ़ने का यही तरीका रहेगा पहले हम क्या करेंगे भाई छोरी और फिर उसके एमसी भी करेंगे क्वेश्चन नंबर बीस का आप लोग जवाब करेंगे सभी स्टूडेंट सेशन को शेयर करेंगे बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर बीस का सही जवाब क्या हो जाएगा केवल कानून के पालन हेतु कार्य करें लोगों को डरा कर रखना एक व्यवस्थित समाज के निर्माण में सभी कानून सम्मत कार्यों को लोगों के सकारात्मक सहयोग से बढ़ावा देना और बी ये हो गया सी हो गया डी है केवल गुंडों बदमाशों की धरपकड़ तथा पिटाई करना बताइए आप अगर एक पुलिस आप अगर एक पुलिसकर्मी होते तो आप क्या करते आप अभी पुलिस के हिस्सा नहीं बने हैं लेकिन आपको कर्तव्य में पहले ही बता रहा हूं कि पुलिस का कर्तव्य क्या होना चाहिए तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे सर केवल गुंडों बदमाशों की धर पकड़ तथा पिटाई करना तो जहां भी केवल इस तरीके का दिख जाए ना केवल यही काम रह गया क्या पुलिस का वो धर पकड़ करे और क्या करे पिटाई करे उनकी ठीक है तो इसको तो देखते ही गलत कर देंगे ठीक है ठीक है क्लियर है सोचिए इसको सिंघम की तरह सोचिए क्वेश्चन को सोचिए सिंघम की तरह एक पुलिसकर्मी का कर्तव्य क्या होता है मैंने आपको अभी पुलिसकर्मी बना दिया ठीक है चलिए तो बिल्कुल गलत हो गया जी पुलिस का कार्य नहीं है ये पुलिस का कार्य नहीं है सिर्फ धर पकड़ करना और पिटाई करना कह रहा है कि लोगों को डरा कर रखना ये भी पुलिस का कार्य नहीं है दो ऑप्शन तो आपने देखते ही कट कर दिए ये मेंटल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन चल रहा है कैसे करेंगे आप बताइए जल्दी से लोगों को डरा कर रखना केवल गुंडो बदमाशों की धरपकड़ करना बिल्कुल गलत है ठीक है जहां भी आपको केवल दिख जाए ना तो उसको तो देखते ही गलत कर देंगे चलिए अब कह रहा है आपसे अब कह रहा है कि केवल कानून के पालन हेतु कार्य करे केवल सिर्फ कानून के पालन हेतु कार्य करेगी पुलिस ये भी आपका गलत हो जाएगा तो एक व्यवस्थित समाज के निर्माण में सभी कानून कार्यों को लोगों के सकारात्मक सहयोग से बढ़ावा देना यह पुलिस का कार्य होता है तो क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो हाँ सब फील हो जाएगा भाई आपको वर्दी भी मिलेगी एक दिन आपको वास्तव में वर्दी भी मिलेगी तो आपका सही समझ में आ गया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आप लोगों का सी हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं जी आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई सहानुभूति अथवा परानुभूति की भावना वाले व्यक्ति में क्या होता है भाई जो जो सिंपैथी और एम्पैथी वाले भावना होते हैं जो सहानुभूति अथवा परानुभूति की भावना वाले व्यक्ति में क्या होती है स्वार्थ की भावना होती है जनहित की भावना होती है लोगों के काम बिगाड़ने की प्रवृत्ति होती है उपरोक्त में से कोई नहीं आपकी आप किस किस टाइप टाइप के के व्यक्ति व्यक्ति हैं हैं भाई आप आप बताइए आप किस टाइप के व्यक्ति हैं भाई? आप सहानुभूति है? है? वाले व्यक्ति हैं क्या अगर सहानुभूति वाले व्यक्ति हैं तो आप बताइए जल्दी से जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा ट्वेंटी वन का राइट आंसर जल्दी से बताइए हर एक स्टूडेंट को जवाब करना है सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है तो वो जरूर बताए भाई और ऑफलाइन कमेंट किया करो कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ ना रटना पड़े भाई देखिए स्वार्थ की भावना वाले व्यक्ति को तो आप कहेंगे स्वार्थी व्यक्ति है वो तो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचता है है ना वो तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है जनहित की भावना जनहित की भावना मतलब जनहित का मतलब है जनता का हित मतलब सभी जनता का फायदा चाहता है वो व्यक्ति वो ऐसा व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा जनहित की भावना रखने वाला व्यक्ति है तो आप भी कैसे व्यक्ति बनेंगे जनहित मतलब जनहित की भावना वाले व्यक्ति बनिए आप भी ठीक है चलिए लोगों के काम बिगाड़ने की प्रवृत्ति गलत तो ये गलत हो जाएंगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको आएंगे उनको देखते ही आप लोग कर सकते हैं ना चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जनता के सामान्य हित अथवा जनहित के तत्व क्या हैं बताइए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर बाईस का आप लोग जवाब करेंगे मुझे जल्दी से बताइए सेशन को आप लोग शेयर करिए क्योंकि क्वेश्चंस मुझे और कराने अभी आज इस चैप्टर को मैं फिनिश करूंगा जल्दी से बताइए आज के बाद इस चैप्टर को कभी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ठीक है चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर बाईस आप लोगों की स्क्रीन पर है कि जनता के सामान्य हित अथवा जनहित जनहित के तत्व क्या है बताइए भाषा और जाति है धार्मिक अलगाव है सांस्कृतिक मान्यताएं हैं पर्यावरण स्वस्थ शिक्षा किसको आप ज्यादा जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर आपका ट्वेंटी टू है क्वेश्चन नंबर बाईस का सही जवाब क्या हो जाएगा सेशन को लाइक व शेयर करते रहिए सभी स्टूडेंट बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ठीक है तो अगर आप इसको जनहित की भावना सामान्य हित अथवा जनहित के भाव से देखा जाए तो आप किसको इसमें से फर्स्ट स्थान पर रखेंगे ठीक है आप इनमें से किसको फर्स्ट स्थान पर रखेंगे बताइए जल्दी से कि जनता के सामान्य हित भाषा एवं जाति धार्मिक अलगाव सांस्कृतिक पर्यावरण स्वास्थ्य शिक्षा तो दोस्तों आप कहेंगे सबसे ज्यादा जो बेस्ट होगा इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलिए आप लोग सही जवाब कर रहे हैं ये ये क्वेश्चन आ गया भाई मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं। बहुत अच्छे से दो दो तीन तीन बार बताया है कि जनहित याचिका पर पहले दाखिल की जाती है कहा की जाती है भाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज यूजली फील्ड फर्स्ट तो बताइए जनहित याचिका अगर आपको दायर करनी है तो आप उसे कहां दायर करेंगे तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का बिल्कुल शेयर करिए सभी लाइब्रेरी ग्रुप में शेयर करिए सभी अपने स्टेटस पर भी लगाइए मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है कि आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसके बाद इसके बाद आपको इस क्लास को करने के बाद कभी भी जीवन में जनहित याचिका आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी चाहे वो थ्योरी ना एम ठीक है कभी भी इस तरीके से हमारा टारगेट है ठीक है चलिए तो जनहित याचिका की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जनहित याचिका आपकी आप सभी जानते हैं कहाँ कहाँ दायर होती है भाई सुप्रीम कोर्ट में कौन से आर्टिकल के थ्रू तो आर्टिकल बत्तीस से है ये और भाई हाई कोर्ट में अगर करनी है तो क्या हो जाएगा आर्टिकल 226 हो जाएगा आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 226 आपका हो जाएगा ठीक है बड़े ध्यान से समझेंगे अब लेकिन दोस्तों हमें कह रहा है कि पहले दाखिल की जाती है पहले किस में दाखिल की जाएगी तो पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे भाई उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में करेंगे जो आपके राज्य का हाई कोर्ट है पहले आप उसमें दायर करेंगे उसके बाद अगर हाई कोर्ट नहीं सुनता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आपको समझ में आया जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सॉरी सर लेट हो गया चलिए बताइए जल्दी से समझ में आया जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का जो राइट right आंसर है क्या हो जाएगा ए हो जाएगा जो भी आपका राज्य का हाई कोर्ट है पहले आप उसमें दायर करेंगे ये नहीं कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं ठीक है डिस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप याचिका दायर नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में आप करते हैं पी तो मैं आपको बता चुका हूं शुरुआत में ही बता चुका हूं भाई सुरेश भारतीय बहुत शुरू से इसको क्लास को देख लेना ठीक है चलिए बताइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है लो जी एक भी स्टूडेंट का गलत नहीं आना चाहिए हर टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे बताइए जल्दी से बताइए जल्दी से और लाइक की संख्या बढ़ाइए भाई लाइक करेंगे सभी स्टूडेंट भारत में सर्वप्रथम जनहितवाद की अवधारणा कौन से नाइदिस द्वारा प्रतिपादित की गई थी बताइए भारत में पीआईएल का फादर ऑफ पीआईएल इन इंडिया किसको कहा जाता है भाई फादर ऑफ पीआईएल इन इंडिया तो बच्चा बच्चा जानता है फादर ऑफ पी आई एल इन इंडिया किसको कहते हैं बताइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा मुझे उम्मीद है कि एक भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट गलत आंसर नहीं करेगा बताइए तो कौन है जी न्यायमूर्ति तो न्यायमूर्ति पी एन भगवती जी तो दोस्तों न्यायमूर्ति हम इस वजह से लगाते हैं इनको सम्मान देते हैं ठीक है चलिए तो न्यायमूर्ति पी एन भगवती जी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कई बार करा चुका हूँ भाई क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ ठीक है चलिए जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है क्वेश्चन को पढ़ें समझें और जवाब करें और ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको दिलवा दूंगा भाई पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी आप चिंता ना करें बस आप पढ़ते रहे बताइए जल्दी से जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है अगेंस्ट होम कैन ए पी आई एल इज फील्ड बताइए किसी सरकारी विभाग के विरुद्ध केंद्र सरकार के विरुद्ध राज्य सरकार के विरुद्ध उपयुक्त सभी बताइए भाई जल्दी से मैंने पूरा आपको पीआईएल अच्छे से समझा दिया अब भी कोई अगर गलत जवाब करेगा ना तो फिर तो दिक्कत आएगी ठीक है भाई किसी सरकारी विभाग के विरुद्ध भी कर सकते हैं केंद्र सरकार के विरुद्ध राज्य सरकार के विरुद्ध उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है बताइए जल्दी से लो जी फिर घिसा पिटा क्वेश्चन आ गया आपके सामने जनहित याचिका दायर की जा सकती है मैं कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं छोड़ रहा हूं कि अगर आपका पीआईएल से क्वेश्चन आए एक क्वेश्चन भी आए तो या दो क्वेश्चन आए उसको सही कर गया है आप हमें तैयारी इस तरीके से करनी है और अगर इस तरीके से आप तैयारी करेंगे ना आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता ठीक है कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन लेने से फिर क्वेश्चन आया जनहित याचिका दायर की जा सकती है तो मैंने बोला पहला कुछ ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय फिर मैंने बोला उच्च न्यायालय तो आपने बोला बोला पहला मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट दूसरा मैंने बोला हाई कोर्ट तो आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है आर्टिकल 32 आएगा इसमें और इसमें क्या आएगा भाई हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 आएगा तो पता चल गया कहां कहां दायर की जाती है किस आर्टिकल में की जाती है वो पूरा आपको पता चल गया तो इसका क्या हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों Both of the above. तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा? जाएगा, आया, आया आप 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 तो आप आपको बहुत अच्छे से मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ आप बस मेहनत करिए बस आपके लिए मैं इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ कि पूरी पूरी रात भी अगर क्लास लेनी पड़े ना वो भी तैयार है बेहतर से बेहतर आपको कॉन्टेंट लेकर आएंगे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आएंगे और पूरा बस आप लोगों ने सपोर्ट किया करें आप कमेंट करके बताया करें क्लास कैसी लगती है बस बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि कोई आपको बुक वुक खरीदने की कोई जरूरत है नहीं बताइए जल्दी से मॉक टेस्ट भी चलेगा भाई बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा स्तर बढ़ा दिया है भाई मैंने क्वेश्चन का लेकिन अगर आपने पी आई एल को अच्छे से समझा है तो आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे आप मुझे बताइए से से याचिका लगाई जा सकती है जहां बंधुआ जहां ये अंकित बिंदु को हटा दो जो बधुआ मजदूरी कराई जा रही हो ठीक है बॉन्डेड जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही हो दूसरा कह रहा है जब सड़कों पर सीवल लाइन खराब हो तीसरा जहां कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा जहां कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहा हो ठीक है किसी व्यक्ति में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो मिस प्रिंट है थोड़ा सा आप समझ जाएंगे थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे ठीक है अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का गलत जवाब कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट सही कर रहे हैं अब सही वो कर रहे हैं जिसने अपना माइंड का प्रयोग किया है गलत वो कर रहे हैं जिसने माइंड का प्रयोग नहीं किया है भाई देखिए बधुआ मजदूरी कराई जा रही है जबरदस्ती लेबर का काम कराया जा रहा है तो इसके लिए आप याचिका दायर कर सकते हैं बात बिल्कुल सही है क्लियर है बताया था मैंने कहाँ कहाँ कर सकते हैं बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को दूसरा कह रहा है कि जहां सड़कों पर सीवर लाइन खराब है तो सीवर लाइन खराब है तो इसके लिए भी आप याचिका दायर कर सकते हैं ये दोनों ही मुद्दे कैसे हैं ये दोनों ही मुद्दे कैसे हैं भाई जनहित के हैं ये दोनों ही मुद्दे किसके हैं भाई जनहित के हैं जनता के फायदे के हैं तो इसी वजह से आप इन दोनों के लिए याचिका दायर कर सकते हैं भाई आप याचिका दायर कर सकते हैं दोनों ही मुद्दे के लिए क्लियर है आपको सब कुछ ठीक है थर्ड वाला क्या है जहां कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कोई दो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं क्या आप इसके लिए पीआईएल करेंगे क्या आप इसके लिए याचिका दायर करेंगे कहेंगे नहीं सर जी गलत कर देंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब है तो जिस जिस स्टूडेंट ने सी जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है वो इस बात को समझ गए हैं कि मेरा समझाने का उद्देश्य क्या है आप लोगों को और किस तरीके से मैं बात को अपनी को समझाना चाह रहा हूं ठीक है चलें भाई आगे किसी को कोई भी डाउट रहे तो आप लाइव कमेंट में भी पूछ सकते हैं साथ साथ ऑफलाइन तो कमेंट कर दिया करो ठीक है चलिए तो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है जनहित याचिका आप वहीं दायर कर सकते हैं जहां जनहित की बात हो रही है जनता के फायदे की बात हो रही है लोकहित की बात हो रही है ये नहीं है कि किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप वहीं जनहित याचिका नहीं जी गलत हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं जी अमेरिका में जनहित याचिका को क्या कहा जाता है नो मैंने जो थ्योरी आपको पढ़ाई है सबसे शुरू में मैंने कल की क्लास में और आज की मैं भी यही बताया है कि सबसे पहले जो जनहित याचिका है इसका जो जन्म माना जाता है जनहित याचिका का वो किस में माना जाता है भाई अमेरिका में माना जाता है किस में माना जाता है अमेरिका में ठीक है और मैंने ये भी बताया था कि भाई अमेरिका में माना जाता है तो अमेरिका में जनहित याचिका को क्या कहते हैं हर एक स्टूडेंट का सही जवाब आना चाहिए तो बताइए अमेरिका में जनहित याचिका को क्या कहा जाता है ट्वेंटी एट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है जल्दी से आप लोग जवाब बताएंगे कि ट्वेंटी एट क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या हो जाएगा पढ़ाई जारी रखिए भाई शिवम यादव ये गलती ना करें आप ठीक है यह गलती नहीं करें पढ़ाई जारी रखनी है ठीक है चलिए बताइए मैंने आपसे पूछा है कि अमेरिका में जनहित याचिका को क्या कहा जाता है अगर आपने मेरी कल की क्लास ध्यान से देखी हो और आज की क्लास भी अगर आपने ध्यान से देखी हो लो जी मैंने क्लास की शुरुआत में ही बताया था कि जनहित याचिका जन्म इसका यूएसए में हुआ है और हाईलाइट भी क्या हुआ है यूएसए में इसको सामाजिक कार्रवाई याचिका कहा जाता है सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ गया ना ठीक है सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होंगे मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर जनहित याचिका से क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप गलत कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं होगा जो आप गलत कर रहे हैं उसको तो आप बता दो जी जनहित याचिका को क्या कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है सामाजिक कार्रवाई याचिका कहा जाता है क्वेश्चन नंबर का ए ऑप्शन क्या हो हो जाएगा जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाले सभी गलत है कोई दिक्कत नहीं है विष्णु कुमार जी तैयारी करिए जबरदस्त तैयारी करिए जबरदस्त तैयारी कुछ नहीं है विष्णु कुमार जी किसी भी कैटेगरी में हो सिलेक्शन लेने से हमें मतलब है बताइए बताइए यहां लिख लीजिए यहां लिख लीजिए चलिए यहां आप लिख लीजिए कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई बताइए जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे बताइए जी बताइए जल्दी से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मेहनत करनी है भाई मेहनत करनी है इस मेहनत को सफलता में बदलना है भाई मेहनत को सफलता में बदलेंगे इसको किसके द्वारा की गई तो मैंने आपको बताया था क्लास के शुरुआत में ही कि जनहित याचिका की जो भारत में शुरुआत की गई थी वो न्यायपालिका के द्वारा की गई थी किसके द्वारा न्यायपालिका के द्वारा की गई थी और न्यायाधीशों के द्वारा तो इसी वजह से इसको हम न्यायाधीश निर्मित विधि भी कहते हैं इसको हम न्यायाधीश निर्मित विधि भी कहते हैं तो इस क्वेश्चन के मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब कर रहे हैं सभी का सी आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है तो भाई संसद के द्वारा नहीं किया गया है संवैधानिक संशोधन कोई नहीं हुआ है यह न्यायिक पहल के द्वारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास तीसवा क्वेश्चन है बताइए कोई वाद जनहित या लोकहित वाद कब माना जाएगा बताइए आप लोग सेशन को लाइक किया करो भाई शेयर किया करो आप लोग सेशन को अधिक से अधिक सेशन को शेयर किया करें आपसे पूछा जा रहा है कि कोई वाद जनहित या लोकहित वाद कब माना जाएगा बताइए जल्दी से पूरा पीआईएल पूरा जनहित मैं आपको समझा दिया है मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में आ जाए और आप उसे गलत कर दें बताइए क्वेश्चन नंबर तीस को आप लोग सोचेंगे और समझेंगे और आप लोग जवाब करेंगे वो सद्भावना पूर्ण हो उसका उद्देश्य अनुचित लाभ अर्जित करना न हो वह राजनीति से प्रेरित न हो उपयुक्त तो सभी क्वेश्चन नंबर तीस में से किसको आप कहेंगे कि कोई भी वाद जो है आपका वो जनहित के जनहित वाद कब माना जाएगा जनता के फायदे का कब माना जाएगा ठीक है चलिए डी डी आ रहा है भाई सभी स्टूडेंट जवाब कर तो जनहित का मतलब जनहित या लोकहित जहां जनता के फायदे की बात करेगा उसी को हम कहेंगे ठीक है सद्भावना पूर्ण होना चाहिए ठीक है उसका उद्देश्य अनुचित लाभ अनुचित मतलब बेवजह का लाभ अर्जित करना हो कि आपको लग रहा है कि भाई मुझे कुछ लाभ अर्जित करना है और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ याचिका दायर कर रहा हूँ बिल्कुल जी गलत बात हो जाएगी उसका उद्देश्य कोई अनुचित लाभ अर्जित करना न हो वह राजनीति से प्रेरित न हो ये बात बिल्कुल ठीक है तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे ये जो तीनों ही बातें हैं वो जनहित या लोकहित की बात कर रहा है जहाँ राजनीति का मुद्दा आ जाए स्वार्थ वाली बात आ जाए या फिर क्या आ जाए कुछ लाभ अर्जित करने वाला पॉइंट आ जाए तो उसको आप जनहित की भावना में नहीं कह सकते हैं ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा उपयुक्त तो सभी मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ठीक है चलिए जी आगे चलते हैं बताइए बताइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी बताइए जल्दी से कोई भी गुंजाश नहीं छोड़ेंगे भाई आपके एग्ज़ाम में आप जाएँ एग्जाम में और आप लोग गलती करके आए और वो टॉपिक आपने पढ़ लिया है ऐसी कोई गुंजाश मैं नहीं छोड़ूंगा मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन को यहाँ कवर कराऊंगा भाई यहाँ आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं कवर कराऊंगा ठीक है और बिल्कुल इस तरीके से हमारा प्रयास है कि जब आप एग्ज़ाम में जाएँ तो आपको एक भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का ऐसा ना लगे कि वो नया है क्योंकि भाई पांच लाख उनतालीस हजार पद है और आपको चौबीस सौ तीस में आना है इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और दिखाना होगा कि सर हाँ हम मेहनत कर रहे हैं मेहनत चौबीस सौ तीस में ऐसे ही नहीं आ पाएंगे आप ठीक है जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति भारत में किस दशक में हुई है तो मैं कई बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को आप सभी को पता है उन्नीस कर रहे हैं और कैसे आप सभी को पता है उन्नीस में सबसे पहले याचिका दायर की गई थी और उसके बाद पी की शुरुआत होती है तो उन्नीस क्या हो जाएगा अस्सी आपका सही जवाब हो जाएगा चलिए भाई क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू का आप लोग जवाब करेंगे थर्टी टू क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बताइए ये उन्नीस सौ अस्सी हो गया चलिए इसका बताइए थर्टी टू का पी आई एल की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं पी आई एल की हु बताइए पीआईएल की अवधारणा के प्रवर्तक रहे अगर आपने जो थ्योरी की क्लास है ना वो शुरुआत में अच्छे से अगर देखी हुई होती तो आप एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं बताइए बताइए पीआईएल की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं बताइए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्टी टू कितना सिंपल सा क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन को पूछने का प्रयास किया जा रहा है जिससे आप लोग गलत करें और पूजा राजपूत जी ने गलत कर भी दिया है बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत भी कर दिया है ठीक है बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्टी टू का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गलत कर भी देंगे ठीक है बताइए मैं आपको हर एक पॉइंट के लिए तैयार कर रहा हूं ठीक है तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोनों कौन कौन भाई न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण किसन भी और साथ साथ पी एन भगवती जी भी ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ लेकिन फादर ऑफ पी एन भगवती जी को कहते हैं ये राइट और नोट तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी सी दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन है जी तेतीसवा तेतीसवा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है पी आई एल का वास्तविक उद्देश्य है क्या है कल भी बताया था मैंने इसका उद्देश्य क्या है लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन इस तरीके से आपको दिए जाए कि आप लोग गलती कर दें तो यही एग्जामिनर भी आपसे करवाएगा ठीक है? बताइए जल्दी से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का सही जवाब क्या हो जाएगा हर एक स्टूडेंट को आप लोग जवाब करना है बताइए जो पी है जनहित याचिका है इसका उद्देश्य क्या है क्यों इसको शुरुआत की गई थी भाई मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है जनहित याचिका जहाँ जनता के हितों के जनता के फायदे के लिए बात करी जाए उसी को हम जनहित याचिका बोलते हैं कानून के शासन की रक्षा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभाव प्रभाव की प्रभावकारी पहुँच बनाना मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप से प्राप्त करना उपरोक्त सभी तो क्वेश्चन नंबर तैतीस में से आप किसको सही करेंगे क्वेश्चन नंबर तैतीस में से आप किसको सही करेंगे बताइए जल्दी से पी का जो वास्तविक उद्देश्य है मैंने आपको बताया था पी का जो जनहित का जनहित याचिका का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है जो आपको अधिकार भारतीय संविधान ने दिए हुए हैं अगर उनका हनन होता है ठीक है जो आपको मौलिक अधिकार गिविन है अगर आपको उनका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं याचिका दायर कर सकते हैं ये आपको कौन परमिशन देता है भाई भारतीय संविधान का आर्टिकल जो थर्टी है वो भी देता है साथ साथ आर्टिकल दो हाई कोर्ट में जाने के लिए तो जो जनहित याचिका है मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप से प्राप्त होना जो मौलिक अधिकार है उनको सार्थक रूप से प्राप्त होना तो वो क्या कहलाता है दोस्तों आपका क्या कहलाता है ये पी का वास्तविक उद्देश्य है कि जो अधिकार गिविन है उस अधिकार को वास्तविक ठीक है विष्णु कुमार कह रहे हैं सर आपके बैच जुड़ा हूं बिल्कुल जुड़कर तैयारी करिए जबरदस्त तैयारी करिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करिए बस आप लोगों से एक ही एक ही सपोर्ट सपोर्ट आपसे एक ही मांगते हैं भाई एक ही सपोर्ट आप सभी कर दीजिए कि आप लोग एक तो सेशन को सेशन को शेयर कर दिया करें और एक बार आप कमेंट कर दिया करें आपके जो कमेंट आते हैं जो लाइक आते हैं ना आपके उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है कि सर हाँ वास्तव में बच्चे क्या करते हैं भाई क्या कर रहे हैं आप सभी सपोर्ट कर रहे हैं हमें जब हम आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाई क्या मेंटल एप्टीट्यूड ठीक है तो आप देख सकते हैं कि मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास बहुत कम ऐसे टीचर्स होंगे जो आपको थ्योरी वाइज पढ़ा रहे हैं मैं थ्योरी भी करवा रहा हूँ एमसी भी एम सी क्यू भी करवा रहा हूँ साथ साथ प्रीवीशियर के क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ ठीक है चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर चौंतीस आप लोगों के लिए जनहित याचिका की जो अवधारणा की जो उत्पत्ति हुई है बच्चा बच्चा जानता है कहाँ हुई है उत्पत्ति जी अमेरिका में हुई है यूएसए में हुई है ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट है भाई बताइए पीआईएल आज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है इन विच फील्ड डी आई एल होल्ड इन इंपोर्टेंट बताइए शिक्षा के क्षेत्र में कानूनी प्रशासन के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजनीति के क्षेत्र में तो क्वेश्चन नंबर पैंतीस का राइट right आंसर क्या हो जाएगा आप लोग मुझे बताइए तो जो पी है आज किस क्षेत्र में भाई क्या रखता है महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो वो किस में रखता है भाई राजनीति में रखता है राजनीतिक क्षेत्र में बढ़, बढ़ते हैं भाई फिर आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जी जो मैंने अपनी थ्योरी क्लास के शुरुआत में बताया था ना वही मैंने आपसे पूछ लिया है क्या पूछा है मैंने आपसे क्या पूछा है कि जनहित याचिका का मतलब क्या है एक भी स्टूडेंट का गलत जवाब नहीं आना चाहिए ऐसा एक भी स्टूडेंट ना हो जिसका गलत जवाब आ रहा है हर एक स्टूडेंट को मतलब भी ये चैप्टर का अगर मतलब ही नहीं पता है फिर कैसे काम चलेगा तो क्वेश्चन नंबर जो छत्तीस है ना इसका आप लोग जवाब करिए क्या हो जाएगा जल्दी से कुछ भी जिसमें जनहित हो कुछ भी जिसमें जनहित हो पीड़ित व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा ठीक है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में जारी किया गया निर्देश तो छत्तीसवें क्वेश्चन में आप किसको सही करेंगे छत्तीसवें क्वेश्चन में आप लोग किसे सही करेंगे ठीक है विष्णु कुमार जी कोई नहीं करा रहा है तो हम करा रहे हैं आपका भाई करा रहा है आप बिल्कुल बस अपनी सपोर्ट बनाए रखे और बड़े ध्यान से आप लोग समझिए बताइए जनहित याचिका का मतलब क्या है भाई हैत्तीसवें क्वेश्चन में आप किस को सही करेंगे सी डी अलग अलग आप लोगों के जवाब आ रहे हैं सभी स्टूडेंट अलग अलग जवाब कर रहे हैं बड़े ध्यान से देखेंगे जनहित याचिका का मतलब है पहला कह रहा है जी कुछ भी हो जिसमें जनहित हो एनीथिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट चलिए जी दूसरा कह रहे हैं कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा अदालत में पीड़ित व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा चलिए तीसरा कह रहे हैं किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा ठीक है देखिए बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस गए हैं इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या है ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट फंस गए हैं इसके पीछे कारण क्या है तो मैंने आपको बताया था कि जनहित याचिका जो होती है इसमें अगर किसी के साथ भी आपको कहीं भी लग रहा है कि किसी का भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है किसी भी व्यक्ति का हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है जनहित याचिका दायर कर सकता है इसमें जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही जाए ठीक है तो कुछ भी जो जनहित में हो तो ये तो देखते ही गलत कर दिया पीड़ित व्यक्ति द्वारा लाया गया भाई पीड़ित व्यक्ति द्वारा लाया गया क्या आपका मुकदमा जनहित याचिका कहलाता है जरूरी थोड़ी है पीड़ित व्यक्ति कोई भी व्यक्ति ला सकता है ठीक है कोई भी व्यक्ति ला सकता है चाहे वो पीड़ित है या नहीं है ठीक है तीसरे कह रहे किसी भी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा कोई भी व्यक्ति अगर अदालत में जनहित मतलब जनता के हित के लिए कोई भी मुकदमा अगर लेकर आ रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे जनहित याचिका कहेंगे तो यही होता है जनहित याचिका का मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी माइंड लगा लिया होता तो इस क्वेश्चन को आप लोग सही कर देते हैं ना ठीक है जितने भी स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं जिनका फर्स्ट डे है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और मेहनत करिए ठीक है चलिए बताइए भाई बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ समझ में आ गया किस तरीके से हमें ऑप्शन को कट करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑप्शन की हेल्प से भी सॉल्व करते हैं ठीक है बताइए जनहित याचिका के विकास का श्रेय जाता है जनहित याचिका के जो विकास का श्रेय जाता है किन दो को जाता है भाई बताइए चलिए बताइए जल्दी से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं और अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो वो सेशन को लाइक जरूर करेगा एक बार ठीक है अभी ट्वेंटी फोर स्टूडेंट इस समय लाइव हैं तो जिस जिसने लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइव कर दीजिए लाइक कर दीजिए सेशन को लाइक कर दीजिए और साथ साथ कमेंट भी करना है आपको ऑफलाइन तो मोटिवेशन मिलता है भाई मिलता हमें कुछ नहीं है लाइक करने से और इस बैच के पीछे हमारी बहुत मेहनत है तो आप नहीं जानते उस दिन आपको बताएंगे इसकी मेहनत जिस दिन आप सफल हो जाएंगे चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है जल्दी से आप लोग जवाब करिए ए आ रहा है भाई बी आ रहा है सभी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं थर्टी सेवन का अलग अलग जवाब कर रहे हैं तो जनहित याचिका का जो विकास मैंने बताया था कि न्यायमूर्ति अयर जी एंड पी एन uh, भगवती जी दोनों को जाता है ठीक है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा चलिए जी अड़तीसवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अड़तीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई जनहित याचिका में सम्मिलित नहीं है क्या सम्मिलित नहीं है भाई कौन सा ऐसा है जो जनहित याचिका में ही सम्मिलित नहीं है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश बधुआ मजदूरी पार, पारिवारिक पेंशन हिंसा के से प्रभावित पीड़ित व्यक्ति बताइए और जो आपके दिवाली है गोवर्धन है भैयादोज है ये इस प्रकार के जो आपके फंक्शन आ रहे हैं ना दोस्तों इस पर भी आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है इस पर भी आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है दोस्तों और देखिए बेरोजगार स्टूडेंट के लिए तो कोई दिवाली ना होली जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी उसी दिन आपकी दिवाली है जिस दिन ज्वाइन लेटर हाथ में आएगा उसी दिन आपकी दिवाली हो जाएगी ना बताइए थर्टी एट क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए थर्टी एट का सही जवाब क्या हो जाएगा ठीक है बताइए जल्दी से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं जनित याचिका में सम्मिलित नहीं है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बताइए दूसरा कह रहा है कि बधुआ मजदूरी दूसरा क्या कह रहा है भाई बधुआ मजदूरी तीसरा क्या कह रहा है पारिवारिक पेंशन तीसरा क्या कह रहा है पारिवारिक पेंशन चौथा आपसे कह रहा है कि हिंसा से प्रभावित व्यक्ति कौन कौन सा सा ऐसा है जिसको आप जनहित याचिका में शामिल नहीं करेंगे 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा हम है पुराने है। अरे भाई बातचीत नहीं करिए ज्यादा बातचीत नहीं करना है बताइए जल्दी से थर्टी एट क्वेश्चन का आप लोग जवाब करेंगे सभी स्टूडेंट को जवाब करना है बातें कम करना है ठीक है तो भाई ये सभी जो है ये सभी जो है आपके ये जो तीनों है ये आपके जनहित याचिका में सम्मिलित है और जो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश है ये जनहित याचिका में प्रवेश जो है ये शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश अब किसके लिए बात कर रहे हैं तो ये आपका जनहित को नहीं शो कर रहा है बच्चों वाला क्वेश्चन है एक भी सिंगल स्टूडेंट का इसका जवाब नहीं आ जाता ठीक है गौरव ये सब मेरे पास लिखा रखा है तुम्हें चाहिए तो बताओ सेंड कर दूंगी है अनुष्का सारा लिखा पड़ा है आपके पास गौरव को क्यों कर रही हो मुझे ही कर दो आप सेंड बताओ आप गौरव को सेंड क्यों कर रहे हो मुझे ही कर दो मैं पढ़ा दूंगा भाई फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होगी है कैसी कैसी बातें करते हैं अनुष्का चौहान के पास सारा लिखा रखा है तो फिर क्लास में क्या करने आए हैं सारा लिखा धर है तो बात करने आए हैं और लोगों को डिस्टर्ब करने आए हैं आप हैं विनय यादव भाई मैं किसी से नाराज नहीं हूँ मैं किसी से नाराज नहीं हूँ और किसी से नाराज क्यों होगा ठीक है ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे पास सारा लिखा धरा है लिखा धरा है तो भाई दे दो हमें फिर क्लास में क्या करने आ रहे हो आप जनहित याचिका दायर की जाती है तो आप सभी जानते हैं उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जारी की जा दोनों में क्या है और अगर बात करता है हाई कोर्ट की तो आर्टिकल 226 हो जाएगा और बात करता है सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की तो यहाँ आर्टिकल 32 हो जाएगा तो इसका जरूर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोनों में तो थर्टी का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है बताइए जो मैंने पढ़ाया है ना अगर सेम ऐसा ही आपके पास लिखा हुआ हो ना तो भाई फिर हम नहीं पढ़ाएंगे फिर आप ही पढ़ा लेना मैं कह रहा हूं कि ऐसा सेम टू सेम कहीं मिल ही नहीं सकता मैंने तीन साल चार बुक है चार पांच बुक से मैंने निकाल के मैटर लेकर आया हूं तीन चार बुक से अब किसी एक बुक का नहीं है ये मैटर कि आपको सीधा सीधा मिल जाएगा ठीक है रिसर्च करनी होती है किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले रिसर्च करनी होती है उसके पीछे अनुष्का चौहान जी ठीक है चलिए बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए जनहित याचिका किससे संबंधित है जनहित याचिका किससे संबंधित है आप मुझे बताइए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अगर भाई किसी के पास ये सारा मैटर पहले से ही रखा है उसको सब कुछ आता है तो कृपा करके आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास ना देखें आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और मैं आपको बता देता हूं मैं जो क्लास में आपको करा रहा हूं एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको समझ में नहीं आया और क्लास में सब कुछ याद होगा और मैं आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों कराने वाला ठीक है चलिए मैं अपने एंड से भाई बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ और पूरा रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद क्लास में आता हूँ ठीक है चलिए बताइए भाई क्वेश्चन नंबर चालीसवा आप लोगों किस स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर चालीसवे का आप लोग मुझे जवाब बताइए कि चालीसवें क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा तो आप सभी को पता है कि जनहित याचिका किससे संबंधित है तो न्यायिक सक्रियता डिजिटल से हो जाएगा भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई थी भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई थी आप मुझे बताइए ये जो नंबर दिए गए हैं ना अनुष्का जी आप इस पर कॉल करके इस पर कॉल कर देना आप और अपने नोट सेंड कर देना हम भी देख लें कि भाई कहाँ से आ गया आपके किस बुक में चालीस क्वेश्चन दिए हुए हैं एक साथ सिक्वेंस में वो कौन सी बुक है जिसमें तैतालीस क्वेश्चन दिए हुए हैं किसके किसके दिए हुए हैं पब्लिक इंटरेस्ट के दिए हुए साथ साथ थ्योरी भी दी हुई है हमें तो ऐसी कोई बुक मिली नहीं आज तक मार्केट में आपके पास कौन सी बुक है ऐसी ठीक है भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई थी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दोस्तों मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था ये वाला जो पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों ये मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि भारत में जो जनहित याचिका है जो प्रथम जनहित याचिका है मैंने आपको बताया था ये लीजिए ये लिखा हुआ है कि भारत में फर्स्ट पी मैंने आपको बताया था कि इसको केस का नाम क्या था हुआ वर्सेज बिहार सरकार केस ठीक है बताइए चलिए ठीक है जी बिल्कुल स्पीड से कराएंगे आप बिल्कुल टेंशन ना लें स्पीड से कराएंगे तो ये ऑलरेडी मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं कि भाई भारत में जो फर्स्ट पीआईएल है वो 9 मार्च उन्नीस को वकील कंपिला हिंगोरानी ने करी थी और उस केस को नाम दिया गया था होसे आरा वर्सेस बिहार सरकार केस उस समय जो जज थे वो पीएन भगवीते थे इसी वजह से मदर ऑफ पी हम किसको कहते हैं कंपिला हिंगोरानी जी को कहते हैं मदर ऑफ ठीक है मदर ऑफ पी हैं एल हिंगो रानी को कहते हैं ठीक है चलिए तो यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है मैंने आपसे बोला है कि जो भी थ्योरी में पढ़ाऊंगा उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन को उसका नाम क्या हो जाएगा हु खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा फोर्टी वन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है चलिए बताइए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी फोर्टी टू क्वेश्चन फोर्टी टू क्वेश्चन है जनहित याचिका के विकास का श्रेय किसको जाता है तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन एक बार फिर से हमारे सामने आया है सेम क्वेश्चन एक बार फिर से हमारे सामने आया है दोस्तों जनहित याचिका के विकास का जो श्रेय जाता है न्यायमूर्ति पी एन भगवती एन कृष्णा अय्यर जी को जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी ए हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट जनहित याचिका संविधान के कौन से भाग से संबंधित है कौन से भाग से कौन से भाग से रिलेटेड है कौन से भाग में ऐसे नहीं लिखेंगे कौन से भाग से रिलेटेड है ठीक है दोस्तों तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में ना ही भारतीय संविधान में कोई संशोधन किया गया है किसके लिए पीआईएल के लिए ठीक है बस सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान जो जनहित याचिका है भारतीय संविधान के कौन से भाग से रिलेटेड है वो भाग तीन से है क्योंकि भाई जो भाग तीन है उसमें अगर आप देखेंगे तो भाग तीन में आर्टिकल आते आर्टिकल आते हैं हमारे से पैंतीस इसमें जो बात करता है किसकी बात करता है भाई फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार की बात करता है और जनहित याचिका में भी क्या कर रहा है भाई मौलिक अधिकार की बात कर रहा है तो किस भाग से रिलेटेड हो जाएगी भाग तीन से लेकिन संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है ठीक है सारे चैप्टर कराऊंगा विष्णु कुमार जी कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा एक भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगा एग्जाम एग्जाम होने से पहले पूरी कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी आपको विद मेंटल एप्टीट्यूड ठीक है ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया जनहित याचिका किससे संबंधित है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चवालीस का सी हो जाएगा सर क्वेश्चन नंबर चालीस का ए होगा क्वेश्चन नंबर चालीस का आंसर बता रहे हैं जी ए होगा जनहित याचिका किससे संबंधित है जुडिशियल रिव्यू क्वेश्चन नंबर चालीस बिल्कुल जुडिशियल होगा जुडिशियल रिव्यू होगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर चालीस का ए बिल्कुल सही है देखिए गलती हमने कर दी थी चालीस का ए हो गया ये कह रहा है भाई न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं जुडिशियल रिव्यू नहीं आएगा चालीस का ए नहीं होगा ये कह रहा है कि जुडिशियल सक्रियता न्यायिक सक्रियता से है भाई ये जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि जब किसी न्याय को फिर से हम क्या करते हैं रिव्यू करते हैं उस पर लेकिन जनहित याचिका में तो क्या होता है फ्रेश होता है नहीं जी बी होगा इसका ए नहीं होगा ए नहीं होगा जी कृष्णा क्वेश्चन फाइव टू नाइन सेवन इसका जो राइट आंसर है वो बेटा बी होगा न्यायिक सक्रियता होगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं चालीस के बाद इकतालीस बयालीस हो गया तेतालीस हो गया चवालीस हो गया और चवालीस ही हमारे पास क्वेश्चन थे और मैं एक बार आपको पूरा कंप्लीट पहले दिखा देता हूं भाई हमने क्या क्या कर लिया है लास्ट दो दिन में लास्ट दो दिन में हमने क्या क्या कर लिया है दोस्तों आप सभी को पता है कि ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस के अनुसार अगर देखा जाए तो जो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला आपका सेक्शन है इसका जो पहला चैप्टर है इसका जो पहला चैप्टर है क्या है पब्लिक इंटरेस्ट वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर पढ़ेंगे कानून एवं शांति व्यवस्था पढ़ेंगे कल की क्लास में जो मेरी कल चार बजे क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे क्या कानून एवं शांति व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक इंटरेस्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है किस तरीके से किस तरीके से मैंने आप लोगों को कराया है किस तरीके से मैंने आप लोगों को कराया मैं दिखा देता हूं मैं करा देता हूं दिखा देता हूं बिल्कुल थ्योरी वाइज मैंने पहले इसका मतलब समझाया फिर थ्योरी वाइज मैंने एक एक पॉइंट को आपको यहां लिख कर दिया है पीडीएफ के माध्यम से और मैं ये आशा फिर मैंने कुछ क्वेश्चन की क्लास में आपको करवा दिए थे और फिर इससे आगे मैंने आज कुछ क्वेश्चन कराए हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए इतनी मेहनत जो की जा रही है ये इसी वजह से की जा रही है कि आप लोग सेलेक्ट हो जाएं और जब आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो हमारी जो मेहनत हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए निशुल्क बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो मेहनत हम कर रहे हैं तो ये मेहनत हमारी उसी दिन सफल हो जाएगी ठीक है चौवालीस देखिए सर चौवालीस को देख लेते हैं चौवालीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है चौवालीसवें क्वेश्चन को देख लेते हैं चौवालीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है चवालीस तो में सी नहीं होगा यही होगा ये बी ही होगा इसका मैंने जल्दी में ये टिक कर दिया था ये मैं जब चालीसवे पर चले गए दोनों सेम ही क्वेश्चन है यही होगा आपका बी होगा राइट आंसर ठीक है अलग अलग नहीं बता रहे कृष्णा जी वो आपकी वजह से मैं पीछे चला गया गलत बता दिया इसका नए सक्रियता ही होगा सेम क्वेश्चन है ठीक है जुडिशियल रिव्यू बेटा अलग चीज होती है कि जिसमें हम कुछ रिव्यू करते हैं तो जनहित क्या है क्या होती है जनहित याचिका क्या होती है जनहित याचिका दोस्तों जन माने जनता हित माने फायदे जनता के फायदे के लिए अगर याचिका दायर की जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं जनहित याचिका कहते हैं दोस्तों इसकी सर्वप्रथम जो इसका जी खोज हुई है मतलब कहां से शुरुआत हुई है अमेरिका से हुई है भारत में भारत में क्या हुआ भारत में क्या हुआ भाई क्या हुआ न्यायालय के माध्यम से न्यायाधीशों के माध्यम से इसको लाया गया इसी वजह से इसको हम न्यायाधीश निर्मित विधि कहते हैं इसको न्यायाधीश निर्मित विधि कहते हैं और दोस्तों पीआईएल क्या है मतलब जनता के फायदे की बात करता है तो बहुत कॉमन बहुत बेसिक सा ये चैप्टर था दोस्तों जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि अगर इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या आप इसे कभी गलत करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी इस चैप्टर को गलत नहीं करेंगे और इसी तरीके से मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि पूरी कंप्लीट रीजनिंग जो भी रीजनिंग का सिलेबस है मुझे पूरा पता है भाई ये रहा जी पूरा सिलेबस अगर आप कहेंगे सर आपको कैसे पता है ये रहा जी मैं बिल्कुल ऑफिशियल डाटा के अलावा कोई बात नहीं करता हूँ ये मेंटल एप्टीट्यूड का सिलेबस है ये आईक्यू टेस्ट वाला सिलेबस है ये आपका रीजनिंग टेस्ट वाला सिलेबस है ये तीनों पोर्सन हमें रीजनिंग में पढ़ने हैं तो रीजनिंग का बहुत अच्छा खासा वेटेज रहता है दोस्तों आपके एग्जाम में यूपी के एग्जाम में रीजनिंग बहुत मैटर करती है मैथ में भी रीजनिंग आएगी और दोस्तों रीजनिंग में तो रीजनिंग आएगी आएगी ठीक है तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारा टाइम टेबल है ये हमारी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों एक बजे से आपकी मैथ्स की क्लास होती है सचिन सर की दो बजे से जीके की क्लास होती है तीन बजे से सागर सर की साइंस दो बजे से जीके की क्लास चार बजे से मेरी रीजनिंग पाँच बजे से आपकी हिंदी भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी हमारा ये प्रयास है हमारा ये प्रयास है कि भाई जिस भी चैप्टर को मैं कराऊंगा ना आपको चाहे वो रीजनिंग का कोई भी चैप्टर हो मेंटल एप्टीट्यूड का हो हम इस तरीके से करेंगे कि गलती होने की कोई गुंजाइश ना बचे क्योंकि हमें भाई पांच लाख उनतालीस हज़ार में से हमें कितने में आना है चौबीस सौ तीस में आना है असिस्टेंट ऑपरेटर वर्डअप नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर जो होगा कल पढ़ेंगे हम लॉ एंड ऑर्डर कानून एवं शांति व्यवस्था कल हम पढ़ने वाले हैं लॉ एंड ऑर्डर हम पढ़ेंगे कल क्या पढ़ेंगे लॉ एंड ऑर्डर पढ़ेंगे जिसे आप कहेंगे कानून एवं शांति व्यवस्था ठीक है चलिए दोस्तों तो आपको समझ में आ गया होगा कल का हमारा चैप्टर ये है मुलाकात करूंगा दोस्तों आपसे कल की क्लास में और अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर करना है लाइक करके जरूर बताना है क्लास कैसी लगी और एक कमेंट करना है जरूर ऑफलाइन आप सभी को और इसी तरीके से हम मेहनत करते रहेंगे बाय बाय टेक केयर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करूंगा जय हिंद जय भारत